हे गाइस, मैं हूं नर्डी एक्सप्लेनर सचिन निगम चैनल से, और आज की इस वीडियो में मैं एक बात करने वाला हूं कुछ ऐसे कैरेक्टर्स की जो कि पॉसिबली हो सकते हैं कि स्क्रल्स हो, एंड आने वाली जो सीक्रेट इन्वेजन सीरीज है उसके अंदर हम लोगों को ये कैरेक्टर्स एज स्क्रल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको भी जानना है कि ये कैरेक्टर्स कौन है एंड क्यों ये हो सकते हैं कि स्क्रल्स हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड हे गाइस, मैं हूं नर्डी एक्सप्लेनर सचिन निगम चैनल से, एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले जिस कैरेक्टर की हम लोग बात करने वाले हैं वो है क्लिंट बार्टन। अब एवेंजर्स एंड गेम में स्नैप के बाद जो एक सडन चेंज आया था हॉकाई की पर्सनालिटी में, जहां अचानक से ही जो हॉकाई है वो पूरी तरीके से रॉनिन बन गया, जो कि ये चीज बता रहा है कि हो सकता है कि पॉसिबली जो ये हॉकाई है वो असली में हॉकाई ना हो बल्कि किसी स्क्रल ने उसे रिप्लेस कर दिया हो। अब इसका क्या रीजन हो सकता है? सबसे पहले तो जो स्क्रल्स हैं उनको पहले से ही पता था कि कभी ना कभी जो एवेंजर्स हैं वो वापस से कोशिश करने वाले हैं सारे मरे हुए लोगों को वापस लाने की, जिसकी वजह से जो स्क्रल्स हैं उन्होंने हॉकाई की जगह ले ली ताकि जब भी एवेंजर्स का टीम अप हो वापस, जो स्क्रल्स हैं वो हॉकाई के भेस में सुमड़ी में अवेंजर्स को सरका दे। बट ऐसा हो सकता है कि किसी वजह से उस टाइम पर जो स्क्रल्स हैं वो इस चीज को अंजाम नहीं दे पाए, मगर अब भी हो सकता है कि कोई ना कोई स्क्रल हॉकाई के भेष में घूम रहा हो एंड पॉसिबली वो अर्थ पर कब्जा करने के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा हो। आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट से जरूर बताइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है निक फ्यूरी। अब निक फ्यूरी तो हम लोगों को देखने को मिल ही गया था फार फ्रॉम होम के अंदर कि उसको एक स्क्रल ने रिप्लेस कर रखा है, एंड नो वे होम के अंदर भी हम लोग को पता चला कि एक साल से जो हम लोग का निक फ्यूरी है वो आउट ऑफ प्लैनेट घूम रहा है। अब मेरी इसके पीछे ऐसी थ्योरी है कि जो ओरिजिनल निक फ्यूरी था वो तो फार फ्रॉम होम के अंदर ही स्क्रल्स के द्वारा कैप्चर्ड हो गया था, एंड जो स्क्रल्स हैं उन्होंने निक फ्यूरी की जगह ले ली थी। मगर अब ऐसा हो सकता है कि जो स्क्रल्स हैं वो निक फ्यूरी के थ्रू अब जो शील्ड है उसको अपने कब्जे में ले रहे हैं पूरी तरीके से, एंड उसके बाद अर्थ पर शील्ड की ताकत की मदद से कब्जा करने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा पॉसिबल भी है। आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर जो हम लोग की लिस्ट पर आता है वो है थंडर रॉस। अब भाई थंडर रॉस हम लोग को पहले देखने को मिला था इनक्रेडिबल हल्क में, जहां इसका मेन मोटिव था हल्क को कैप्चर करना, मगर फ्यूचर की मूवीज में वो जो इंटेंशन था इसका वो टोटली बदल ही गया, एंड वो एक नॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह काम करने लगा एंड सोकोविया वाले लफड़े में अपनी नाक घुसाने लगा। मेरा यहाँ मानना है कि ये जो सडन चेंज हुआ है थंडर रॉस की पर्सनालिटी के अंदर, उसके मोटिव्स के अंदर, ये काइंड ऑफ हम लोग को बता रहा है कि पॉसिबली जो ओरिजिनल थंडर रॉस है उनको किसी ना किसी स्क्रल ने रिप्लेस कर दिया है, एंड अब वो जो स्क्रल है वो एज थंडर रॉस घूम रहा है, एंड जो गवर्नमेंट की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है एंड जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो कि नॉर्मली कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता उन पर अपना कंट्रोल जमा रहे हैं, एंड पॉसिबली फ्यूचर के अंदर इन्हीं सब की मदद से जो स्क्रल्स हैं वो अर्थ पर कब्जा कर लेंगे। एंड मैं इस थ्योरी में बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि एक्चुअली में जो थंडर रॉस है वो स्क्रल ही है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर हमारी लिस्ट पर है वो है हैप्पी होगन। अब भाई हैप्पी होगन एक ऐसा बंदा है सुपर हीरोज की जो कम्युनिटी है उसमें स्टार्टिंग से रहा है, चाहे वो आयरन मैन 1 हो, एवेंजर्स हो या फिर स्पाइडरमैन की मूवीज, सबके पीछे कहीं ना कहीं हम लोगों का हैप्पी होगन रहा ही है, जिसकी वजह से हैप्पी होगन को बहुत ऐसी चीजों की एक्सेस है जो कि हो सकता है कि एवेंजर्स के सारे मेंबर्स को तक ना हो, एंड क्योंकि ये एक सुपर हीरो नहीं है तो इसको कैप्चर करना भी इजी है, एंड ऐसा पॉसिबल है कि किसी ना किसी स्क्रल ने जो हैप्पी होगन है उसको मौका देकर खुद से रिप्लेस कर दिया हो, क्योंकि एक बार हैप्पी होगन की पोजीशन किसी को भी मिल गई तो उसके पास ऐसी ऐसी चीजों का एक्सेस होगा जो कि भाई मिनटों में पूरे के पूरे अर्थ तक को डिस्ट्रॉय कर सकती है, या फिर उन चीजों की मदद से कोई आराम से अर्थ पर या किसी और भी प्लेनेट पर राज कर सकता है। एंड मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है कि किसी ना किसी स्क्रल ने जो हैप्पी होगन है उसको रिप्लेस कर दिया हो, एंड अब वो धीरे 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 उन सब चीजों का एक्सेस ले रहा है जिनकी मदद से जो स्क्रल्स हैं वो फ्यूचर के अंदर अर्थ को पूरी तरीके से कैप्चर कर पाएंगे। एंड इसके बाद जो अगला कैरेक्टर हमारी लिस्ट पर है वो है बैरन जीमो। अब भाई तुम लोग ये चीज सोच कर ही देखो कि अगर जो बैरन जीमो है वो एक्चुअली में बैरन जीमो हो ही ना, बल्कि कोई स्क्रल हो जिसने की बैरन जीमो को रिप्लेस कर दिया हो, एंड पूरी की पूरी जो सिविल वॉर है उसके अंदर एक्चुअली जितने भी कांड है वो सब किसी स्क्रल ने ही करे हो, ताकि वो लोग एवेंजर्स को तोड़ सके, एंड जब एवेंजर्स कमजोर पड़ जाए तब चुपके से आकर सुमड़ी में अर्थ पर धीरे धीरे कब्जा जमाना शुरू करें एंड जो एवेंजर्स हैं उन पर ओवर पावर कर जाएं। एंड भाई अगर ये स्क्रल्स ने एक्चुअली में किया है तो फिर तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि किस लेवल का मैस चल रहा है इस समय पूरे के पूरे सिस्टम में। आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपके ओपिनियंस इस बारे में जेन्युइनली जानना चाहता हूं। इसके अलावा नेक्स्ट कैरेक्टर जो हम लोग की लिस्ट पर है वो है वोंग। अब देखो ये चीज सभी को ऑलमोस्ट पता थी कि अगर कभी भी डॉक्टर स्ट्रेंज को कुछ भी होता है तो जो नेक्स्ट सॉर्सरर सुप्रीम बनेगा वो होने वाला है वोंग, जो कि बना भी, एंड इस चीज
इसका कोई क्यों फायदा नहीं उठाएगा। अगर कोई भी स्क्रल इन्फिनिटी वॉर से एंड गेम के टाइम स्पैन के बीच में वोंग को टेक डाउन करके उसकी जगह ले लेता है तो आज उसके पास एक सॉर्सरर सुप्रीम की हर एक पावर होगी। एंड तुम लोग तो एक सॉर्सरर सुप्रीम की पावर्स का लेवल जानते ही हो, क्योंकि उनका इस्तेमाल करके कोई आराम से पूरी की पूरी अर्थ को कब्जे में ले सकता है। एंड हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर हम लोग को ये चीज पता चले कि एक्चुअली में वोंग की जगह पर एक स्क्रल ही अब तक हम सबके सामने था। एंड इसके बाद जो लास्ट कैरेक्टर हम लोग की लिस्ट पर है वो है शूरी। अब भाई देखो, शूरी एक बहुत ही ज्यादा यंग कैरेक्टर है, इसकी वजह से उसके पास एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा कमी है। अगर कोई एक्सपीरियंस स्क्रल बहुत ही चालाकी से शूरी को टेक डाउन करके उसकी जगह ले ले तो फिर ये चीज कंफर्म है कि जो स्क्रल्स हैं वो अर्थ पर कब्जा कर ही लेंगे, क्योंकि शूरी के पास नियरली हर वो चीज का एक्सेस है, चाहे वो वाइब्रेनियम के वेपन्स हो या फिर पूरे वकांडा का सिक्योरिटी सिस्टम, उसके पास A to Z हर चीज का कंट्रोल है। एंड अगर कोई भी स्क्रल वकांडा की टेक्नोलॉजी को पा लेता है तो फिर उसके लिए जो अर्थ है उसको कैप्चर करना बहुत 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 ज्यादा आसान हो जाएगा। ऑल्सो क्योंकि जो स्क्रल्स हैं उन्होंने निक फ्यूरी तक को रिप्लेस कर दिया था जो कि इतना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो फिर शूरी तो उसके सामने बच्ची है, उसको कैप्चर करना कितना ही मुश्किल होगा। एंड अगर एक बार वो कैप्चर हो गई एंड उसको किसी स्क्रल ने रिप्लेस कर दिया तो फिर ये चीज कंफर्म है कि आने वाले एमसीयू के फ्यूचर के अंदर हम लोगों को जो स्क्रल्स हैं वो पूरे के पूरे अर्थ को कब्जा करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। एंड अगर ये चीज हुई तो फिर भाई ये चीज सिर्फ सीक्रेट वॉर्स तक सीमित नहीं रहेगी, ये बात एवेंजर्स 5 तक जाएगी। एंड मैं तो ये चीज देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आपको इस चीज के बारे में क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लिस्ट में मैंने 6 कैरेक्टर्स के नाम लिए हैं, बट एक्चुअली में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि एमसीयू के अंदर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड अगर उनको स्क्रल्स ने रिप्लेस कर दिया तो फिर भाई अलग ही लेवल पर कांड होंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उनको ध्यान में रख के भी एक लिस्ट बनाऊं और इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाऊं तो प्लीज कमेंट्स में बताइएगा। एंड अगर आपके पास भी कोई ऐसे कैरेक्टर्स के नाम है जो कि इस लिस्ट में हो सकते थे या इस लिस्ट के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डाल सकते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। खैर अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल बने हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खैर मैं हूं नर्डी एक्सप्लेनर, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।